कर भाई हैं, उनका एक मैसेज आया है मेरे फेसबुक पेज पे कि मेरे जो कबूतर हैं वो खाना खा के एक साइड पे बैठ जाते हैं और ग्रीन और ब्लू कलर की जो बीठे हैं वो कर रहे हैं, तो इसका आप मुझे इलाज बता दें। बीठों के वाले से, डायरिया के वाले से मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, यहाँ पे भी आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ इसके पीछे वजह क्या है और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मदर इकबाल आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश आ रही हूँ। कबूतरों के वाले से, परिंदों के किसी भी के टॉपिक के वाले से, किसी भी इलाज के वाले से आप इलाज जानना चाहते हैं, बीमारी के इलाज जानना चाहते हैं, तो आप मैं सेक्शन में मुझसे रब्ता करें, तो फेसबुक पे पेज है तो वहाँ पर भी आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया गया है, नहीं तो आप फेसबुक पर सर्च करेंगे यही सेम नाम डॉक्टर बाज ट्रीटमेंट के नाम से तो मेरा चैनल पहले टॉप नंबर पर आ जाता है। ये नुमान असगर भाई हैं, इनके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, इसी तरह आपके भी सवालों का जो है वो मैं जवाब देता रहूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा करते क्यों हैं, उनके पीछे वजह क्या है। देखें, खाना वो खा रहे हैं उसके बाद वो एक साइड पे बैठ जाते हैं और सब्ज़ और ब्लू कलर की बीठे कर रहे हैं, ग्रीन और ब्लू कलर की बीठे कर रहे हैं, यानी कि एक साइड पे जब बैठते हैं तो उनका निज़ाम इन्हज़ाम जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, यानी कि उनका हाजमा जो है वो बेहतर नहीं है। जब भी वो खुराक खाते हैं ग्रीन कलर की बीठे जो करते हैं, मकसद उनका उसी तरह खुराक के अंदर जो खुराक खाते हैं उसी तरह बीठ के ज़रिए बाहर निकल जाती है, यानी कि उनका वो मेदे के अंदर गलने का जो प्रोसेस है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम नहीं हो रहा। तो इस हवाले से आप सबसे पहले तो उनका मेदे का मसाइल जो है वो ठीक करेंगे, तो ऑटोमेटिक जब मेदे का मसला हल होगा तो जो उनको बीठे ग्रीन कलर की और ब्लू कलर की करें वो इंशाल्लाह वो भी इसके साथ बेहतर हो जाएंगी। तो मेदे के हवाले से आपने किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आपको आसानी के साथ डाइजेक्स एमपी का सिरप मिल जाएगा, गैवस्कॉन का मिल जाएगा और म्यूकेन का सिरप मिल जाए, इसके अलावा गेस्टनल प्लस का सिरप मिल जाए, इनमें से कोई भी मिल जाए आप ये ले लें। उसे इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जो इस तरह गाड़ियाँ हैं सबसे पहले तो उन्हें आप अलग अपने में कर दें, क्योंकि ये डायरिया का जो इन्फेक्शन होता है एक से दो से जानवर को इसी तरह लगता जाता है, तो आपने उसको अलग जब पिंजरे में बंद कर देंगे जिनको ये इस तरह के डायरिया की शिकायत हुई है, तो आपने 2 ml स्वेन के जरिए भर लेना है। ये मेरे पास स्वेन पड़ी है, ये ऊपर से ये कैप उसकी नीडल उतार लें और ये छोटी स्वेन है मेरे पास 3 नंबर वाली, ये आपने 2 नंबर तक यहाँ तक ये यहाँ पे 2 नंबर लिखा होता है, 2 नंबर तक आपने भर के अपने कबूतर के मुँह खोलें और ऐसा ऐसा करके ऊपर से प्रेस करते जाएंगे, ऐसे ऐसे प्रेस करते जाएंगे तो उसके मुंह में वो शरबत जो है वो जाता रहेगा। 2 ml सुबह 2 ml शाम आपने देना है, अगर ज़्यादा मसला है तो आप यही 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके साथ जो उनको डायरिया की शिकायत हो गई है, मैदा उनका ख़राब है, खुराक हज़म नहीं कर रहा, तो इंशाल्लाह इसके साथ बेहतर हो जाएगा। अगर फिर भी डायरिया की शिकायत हो गई है तो आप बहुत इमोशन वो करें तो आपने अमोनियम कैप्सूल ले लेना है, अमोनियम कैप्सूल खोल के आधा आज दे दें और आधा ही कल दे दें, सिर्फ यही एक ही खुराक दें, इंशाल्लाह इसके साथ उनके डायरिया का मसला भी जो है वो हल हो जाएगा। लेकिन पीछे जो उनका मसला है वो है मैदे के हवाले से, तो आप उसका मैदे के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह इसके साथ बेहतर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई मसला रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए लाजमी मुझसे पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डॉक्टर मदर को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।